ब्रजघाट में नाव से आपको पूरा नजारा दिखाते हुए। भाई खुद ही थोड़ी ना नहाएगा, गाड़ी भी तो नहाएगी। साथियों, आपने भी अपनी गाड़ी गंगा पे लाके एक आधी बार नहलाई है या नहीं, कमेंट में बताएं। हेलो साथियों, आपको स्वागत है मेरे चैनल के राजब्लॉग में। दोस्त को ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो साथियों, दोस्त को मैंने ले लिया है, अब चलते हैं सीधा गढ़ गंगा चल के। सीधा आपको दिखाते हैं हम भाई के आज दशहरे के लाइव दर्शन। साथियों, घर से हम सुबह निकल गए थे, सूरज भी अब रास्ते में ही निकल रहा है। अब साथियों, हम गढ़ आ चुके हैं। गढ़ का मेन चौपला है, अब इससे आगे हम ब्रजघाट को चलते हैं। और ये क्या, ये तो फाटक लगे हुए हैं, लगता है गंगा तक जल्दी से जाने नहीं देंगे। तो कुछ देर का इंतजार करते हैं साथियों। जैसे ही साथियों ट्रेन निकल जाती है तो हम आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कितना देर लगाएगी, जल्दी निकल के जाना। ब्रज घाट पे, गंगा घाट पे जाने के लिए लोग ढोल नगाड़ों के साथ एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में काफी मजा लोग ले रहे हैं। साथियों, आ चुका हूँ मैं गढ़ ब्रज घाट गंगा घाट पे। ये देखिए पूरे नज़ारे, चलिए घुमाते हैं। यहाँ आके साथियों आप नाव में भी राइड कर सकते हैं। नाव में बैठने के कितने रुपए है वे आपको आगे मालूम हो जाएगा। और ये देखिए पूरा मेला आपको घुमाते हैं। आज तो दशहरे का दिन है तो काफी भीड़ है, चारों तरफ यहाँ पे लोग ही लोग आए हुए हैं, काफी भीड़ हो रही है। ये जो साथी आप घंटाघर देख रहे हैं, बिल्कुल गंगा माँ के पास में है। इसके सामने घाट बने हुए, आप जाके वहाँ आराम से स्नान कर सकते हैं और यहाँ पे भी बैठ के आप विश्राम कर सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे घंटाघर देख रहे हैं, ये बिल्कुल करीब है गंगा नदी के, और साथ में मेरे दोस्त भी है। चलिए और आपको घुमाते हैं। ये गंगा माँ की मूर्ति है जो कि घाट के बिल्कुल पास है। पुल के नीचे ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग अभी तक इस मूर्ति को नहीं जानते कि कहाँ पे है, आते हैं गंगा घाट पे नहा के चले जाते हैं। तो ये आपको पुल के नीचे मिलेगी। आप नहीं गए हैं तो एक बार यहाँ देखने ज़रूर आइए। नाव का यहाँ पे आप टिकट देख सकते हैं, कितने रुपये, 100 रुपये टिकट है। हम भी चलते हैं। और ये रहा VIP घाट, यहाँ आप आके स्नान कर सकते हैं। VIP घाट है, बाकी यहाँ 1 से लेके 8 तक घाट बनाए हुए जहाँ आप सब जगह स्नान कर सकते हैं। साथियों, घंटाघर के पास में ही हम नाव राइड करेंगे, चलते हैं। साथियों चलते हैं, स्पीड बोट में बैठते हैं। दोस्त भी तैयार है एकदम बैठने के लिए। ये रहा स्पीड बोट, पहले मैं तो बाहर था तो पहले भी मैं स्पीड बोट में गया, तो दिखाते हैं पूरे नज़ारे चलते हैं। श्रीकांत भाई पहले तुम बैठो, चलो फिर मैं आता हूँ। तो दोस्त अभी नाव में जा रहा है साथियों। इस बोट का अगर बताएं तो हमसे 150 रुपये एक जने का लिया, यानी कि 300 रुपये, क्योंकि ये हम सिर्फ दोनों को लेके जाने वाला है, तो हम दोनों ही इसमें जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वैसे 100 रुपये राइड है। तो बोट हमारी निकल ली है, बोट में चलते हैं। यहाँ पे नहा रहे हैं सभी गंगा घाट पे, कर रहे हैं भाई स्टार्ट। और ये रहा पूरा ब्रज घाट, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। आज दशहरा है तो मजा आ रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। पानी की स्पीड देखें, कितनी तेज़ी से नाव चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है साथियों, फुल एंजॉय कर रहे हैं हम भी। सामने पुल है, पुल के पास ही गंगा मंदिर है, घंटाघर है, वो लोग नहा रहे हैं, काफ़ी नाव लगी हुई हैं। आप आते हैं तो नाव का मज़ा ज़रूर लीजिए, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है जिसे आपको करके मज़ा आएगा। वो काफ़ी लोग तो आके करते भी हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो साथियों वीडियो से बने रहे, पूरा दिखाएंगे आपको पूरा ब्रज घाट। देख कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। अब हम पुल के नीचे से नाव को घुमाएंगे। फुल मजा आ रहा है, पहले की तरह जब मैं पहले आया था तो फुल मजा आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आया था यहाँ पे, तो पूरा मजा आ रहा है। ये देखिए किस तरह से नाउ टर्न हो रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। पहले भी इसी तरह से बहुत मजा किया था, और आज भी चलते हैं उधर घाट पे चलेंगे, उधर घाट पे चल के भी आपको दिखाते हैं। और ये लोग भी मजे कर रहे हैं। भाई ने कर दिया बहुत तेज स्पीड, अब तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। पानी देखिए पीछे से कितना खूबसूरत दिख रहा है, जैसे फिल्मी सीन हो। और हमारी नाव भी ऊपर नीचे बार बार हो रही है पानी की लहरों से। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी बोट चल रही है।
यहाँ से नज़ारे तो आपको बहुत ही खूबसूरत दिख रहे होंगे। तो साथियों अब चलते हैं हम घाट की ओर, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी इंजॉय भी किया है, वो गंगा माँ के दर्शन भी अच्छे से हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं घाट पे, घाट पे जो भी जगह रह गई है उन्हें आपको घुमाएंगे। आप कितनी बार आए हैं ब्रज घाट पे तो साथियों कमेंट में ज़रूर लिख देना, और अभी तक नहीं आए हैं तो आ जाइए यहाँ पे, आके दर्शन कीजिए, नहाइए, अच्छे से इंजॉय कीजिए, वो सब कुछ आपको यहाँ इंजॉय करने को मिलता है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। बोट का तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है, मज़ा भी बहुत आता है, आप एक बार यहाँ ज़रूर आना। यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी गंगा स्नान कर रहे हैं, आप भी आके यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो साथियों बहुत ही मज़ा आया बोट को एंजॉय करके, अब पूरा बाजार आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ पूरी जानकारी भी देते चलेंगे। चलिए अब चलते हैं और पूरा मार्केट आपको दिखाते हैं ब्रज घाट का, जहाँ जहाँ मेला लगा है, और आप गंगा में आके फूल भी चढ़ा सकते हैं, तो काफ़ी लोग आके यहाँ फूल भी चढ़ा रहे हैं गंगा माँ के अंदर। और अब चलते हैं बाजार की ओर, पूरा बाजार आपको दिखाएंगे, आज दशहरे के दिन कितना बाजार लगा हुआ है, मेला भी यहाँ पे भर रहा है। गंगा का बाजार आपको दिखाते हैं, गंगा का बाजार लग रहा है, धीरे धीरे पूरे मेले में घूमते हैं। और यहाँ पे काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं खिलौने की, और चलते हैं बाहर, और बाहर से भी दिखाएंगे जो मेन रोड है जहाँ से एंट्री लेते हैं वहाँ पे चलते हैं। और ये देखें कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत लोग, तो अभी तक काफ़ी लोग तो अभी दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि जो रात रुके हुए थे वो सुबह चले गए, और बाकी जो सुबह आ रहे हैं वो देखे कितने लोग आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी हो रही है। भंडारे भी रास्ते में चल रहे हैं, तो हमारे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि हमें जाना है मेरठ फिर से। आप आते हैं तो आराम से आइए और भंडारा भी यहाँ के ग्रहण करके तब जाइए। आसपास काफ़ी खिलौने की दुकानें, आप यहाँ से खिलौने ले सकते हैं, काफ़ी सामान ले सकते हैं, खाने पीने के यहाँ पर रेस्टोरेंट है। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको वीडियो मिलती रहेगी। और यहाँ पे लोग काफ़ी ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं, जैसे पहले मैंने शुरू में दिखाया था आपको, लास्ट में भी अब तक लोग नगाड़ों के साथ यहाँ आ रहे हैं। साथ ही फुल मजा आया दर्शन करके, और आपको मजा आएगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी और दिन नई वीडियो, तब तक के लिए टाटा।